नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी notes.com से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के बारे में जाना था कि हम एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम पेज लेआउट के बारे में जानने वाले हैं कि पेज लेआउट में आपको कौन कौन से फंक्शंस देखने मिलते हैं और कैसे आप उनका इस्तेमाल एमएस एक्सेल 2013 में कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम एमएस एक्सेल में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर टेबल को क्रिएट किया हुआ है। मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी टेबल क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने उसी टेबल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप पेज को सेटअप करोगे प्रिंट करते टाइम, या फिर जो पेज लेआउट है उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे। तो पेज लेआउट के मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको थीम से रिलेटेड देखने मिलता है। तो यहाँ पर आपको थीम, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। दोस्तों, यदि आप थीम्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सारे थीम्स देखने मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दो थीम्स देखने मिल रहे हैं। यदि मुझे थीम को चेंज करना है तो मैं दूसरे थीम पर क्लिक कर दूंगा और आप देख पा रहे हो थीम जो है चेंज हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज हो चुका है और कलर्स भी चेंज हो चुके हैं। यदि मैं कलर्स को भी कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो मैं कलर्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं नॉर्मल कलर्स को अप्लाई कर सकता हूँ या फिर उन्हें और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर लाइट बैकग्राउंड रखना है या डार्क बैकग्राउंड रखना है, एंसेंट कलर कौन सा रखना है, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने मिलेंगे। आप किसी को भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर आप फॉन्ट को चेंज कर पाओगे। जो भी आपके फॉन्ट्स हैं यहाँ पर, जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, सारे आपको यहाँ पर फॉन्ट्स देखने मिल जाएंगे। आप किसी भी फॉन्ट को चूज कर सकते हो और वो यहाँ पर इस थीम पर अप्लाई हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो है आप इसको भी सेट करके रख सकते हो कि जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है उसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहां से कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको यहां पर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन देखने मिलेगा और यहां पर आप इफ़ेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हमने यहां पर कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं इसे चेंज करके नहीं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये तो हो गए थीम्स के सेक्शन के बारे में। अब हम पेज सेटअप पर आते हैं कि कैसे हम पेज को सेटअप करेंगे यदि हमें उसे प्रिंट करना हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मार्जिन्स का देखने मिलता है, तो आप यहाँ से उसका मार्जिन सेट कर सकते हो। यदि आपको मार्जिन चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। यदि आप नॉर्मल रखना चाहते हो, नॉर्मल रख सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट देखने मिलते हैं, जैसे नॉर्मल, वाइड, नैरो, तो आप किसी पर भी क्लिक करके मार्जिन को चेंज कर सकते हो। यदि आप मार्जिन को चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका कोई भी इफेक्ट देख पाओगे कि क्या इफेक्ट जो है मार्जिन को चेंज करते टाइम पड़ा। तो यहाँ पर जैसे मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर फिलहाल मैंने नॉर्मल मार्जिन रख दिया है। अब मैं यदि फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें मार्जिन्स देखने मिल रहे हैं। यदि मैं मार्जिन को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वापस से उसे चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे नैरो कर दिया। अब मैं यदि प्रिंट में जाऊँगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है मार्जिन्स चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप मार्जिन्स को भी चेंज कर सकते हो। आप अपने पेज के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से मार्जिन्स को सेट कर पाओगे। और यदि आपको इन प्रीसेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप कस्टम मार्जिन में जाओगे और यहाँ पर आप हर एक मार्जिन को आप मैन्युअली सेट कर सकते हो और यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन देखने मिलता है आपको ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है या तो आपको पेज को वर्टिकली प्रिंट करना है या फिर हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है। तो दो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के नाम से देखने मिलता है। तो अभी हम फिलहाल पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हैं। तो यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो इस तरीके का आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट प्रीव्यू देखने मिलेगा और यहाँ पे भी आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ओरिएंटेशन का यहाँ पर भी ऑप्शन देखने मिलता है, पेज साइज का ऑप्शन देखने मिलता है, पेज के मार्जिन का भी ऑप्शन देखने मिलता है। तो छोटे मोटे ऑप्शन आप प्रिंट से भी यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूँ और लैंडस्केप में आप देख सकते हो कि इस तरीके का आपको आउटपुट देखने मिलेगा। इसके बाद आपको साइज का ऑप्शन देखने मिलता है, तो यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो। बहुत सारे जो साइज है वो हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम A4 साइज को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि A4 साइज हर एक जगह पर यूज होती है। तो हम नॉर्मली उसी पेज पर प्रिंट करते हैं, लेकिन यदि आपका प्रिंटर अदर साइज को भी सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से दूसरी साइज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन हमें देखने मिलता है प्रिंट एरिया का। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया जो है वो प्रिंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसके थ्रू आप ये काम कर पाओगे। तो प्रिंट एरिया का यूज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने दो टेबल्स बनाई हुई हैं। एक तरफ आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ
पेन, पेंसिल, रबर, स्केल्स जो है यहाँ पर आइटम्स की लिस्ट है और दूसरी तरफ यहाँ पर नेम है और उनके जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो दोनों अलग अलग लिस्ट हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। यदि मैं चाहता हूँ मैं दोनों को सेपरेट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इन्हें अलग अलग पेज में भी रख सकता हूँ या फिर मैं प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैंने दो टेबल बनाई है, जैसे कि आपने 4 या 5 टेबल एक ही शीट में बनाई हुई है तो आप उन्हें अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हो प्रिंट एरिया के ऑप्शन से। तो मैं प्रिंट एरिया पे सिलेक्ट करूंगा और मैं प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेट प्रिंट एरिया से जो है वो प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा, लेकिन आपको उसके पहले वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो है एक टेबल चूज कर लेता हूँ और उससे पहले मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि प्रिंट पर अभी हमें क्या देखने मिल रहा है। तो यहाँ से हम प्रिंट पर जाएंगे, फाइल मेन्यू से भी आप जा सकते हो या कंट्रोल पी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके का जो है अभी प्रिंट एरिया आपको देखने मिल रहा है, दोनों टेबल्स यहाँ पर प्रिंट होने वाली हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप उतना एरिया कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट एरिया सेट कर दूंगा, तो प्रिंट एरिया पर मैं क्लिक करूंगा और सेट प्रिंट एरिया पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब आपको यहाँ कुछ अलग सा चेंजेस देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। अब यदि मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल देखने मिल रही है, जो दूसरी टेबल थी वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमने पहले से ही एमएस एक्सेल को बता दिया है कि इतना एरिया जो है उसको प्रिंट करना है। तो इस तरीके से आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट करोगे। अब आपको यदि डिलीट करना है, क्योंकि ये जो प्रिंट एरिया है वो सिलेक्ट होने के बाद आप जब भी कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे तो ये डिलीट नहीं होगा, आपको मैनुअली इसे डिलीट करना पड़ेगा, वरना सिर्फ इतने ही एरिया का डेटा जो है वो प्रिंट होगा। तो प्रिंट एरिया को डिलीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दोगे, तो इसके थ्रू जो है वो प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। अब यदि मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देख पा रहे हो सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। अगला ऑप्शन आपको ब्रेक्स का देखने मिलता है, यहाँ से आप पेज ब्रेक कर सकते हो, कॉलम ब्रेक कर सकते हो, जो जो चीज़ें हम एमएस वर्ड में करते थे सेम उसी तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, तो आप उनका इस्तेमाल यहाँ से कर पाओगे। इसके बाद आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने मिलता है, बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो यदि बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो, लेकिन आपके जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन काम करता है। तो यदि आपको इसे यूज करना है तो आप इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन देखने मिलता है। प्रिंट टाइटल का ऑप्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसका यूज जो है बहुत ही ज्यादा जगह पर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने दो टेबल्स क्रिएट की हुई हैं, पहला जो है वो हमने यहाँ पर उनकी हेडिंग्स को लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पर डेटा फिल किया है। तो आप देख पा रहे हो मैंने डेटा जो है वो डायरेक्ट फिल करते गया हूँ और यहाँ तक मैंने 3 पेज तक डेटा को फिल कर दिया है। अब यदि मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट पेज में हमें हेडिंग्स शो हो रही हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड पेज में हेडिंग शो नहीं होगी क्योंकि सेकंड पेज में हमने डेटा को फिल किया है, तो यहाँ पर सिर्फ डेटा फिल हो रहा है और थर्ड पेज में भी सेम इसी तरीके का आपको देखने मिलेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज में जो है हेडिंग भी प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि हेडिंग्स जो है वो हर एक पेज में रिपीट होनी चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यदि आप चाहते हो कि पेपर्स जो है वो अलग अलग जगह पर यूज होने वाले हैं तो हेडिंग्स हर एक पेज में होनी चाहिए ताकि उसे देखने वाले को समझ में आ जाए कि जो हेडिंग्स है वो क्या थी। तो यहाँ पर हम उसे सेट करने के लिए प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर प्रिंट एरिया का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आप बाहर से करोगे तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तो अभी हम हेडिंग्स को देखते हैं, तो हेडिंग यदि रिपीट करनी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप, क्योंकि हेडिंग्स जो है वो हमने रो में लिखी हुई हैं और हमें रोज जो है वो रिपीट करनी है टॉप पर। तो कौन सी रो रिपीट करनी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उस रो को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली रो जो है फर्स्ट रो जो है वो हमें रिपीट करनी है हर एक बार, यानी कि हर एक पेज पर। तो यहाँ पर वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी और हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं कंट्रोल पी करता हूँ आप देख पा रहे हो फर्स्ट पेज में जो है वो हमारी हेडिंग्स शो हो रही है क्योंकि हमने हेडिंग्स वहाँ पर लिखी हुई थी। अब यदि मैं यहाँ से सेकंड पेज में जाता हूँ तब भी हमारी जो हेडिंग्स है वो शो हो रही हैं और ऐसे ही हमें थर्ड पेज में भी हेडिंग्स शो हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है यदि आप हेडिंग्स भी रिपीट करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो, और यदि आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो आप वापस से प्रिंट टाइटल्स में जाओगे और यहाँ से आप जो वैल्यू है उसको क्लियर कर दोगे और यहाँ से आप ओके कर दोगे, तो वो चीज़ वापस से रिमूव हो जाएगी। अब दोस्तों अगला ऑप्शन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यदि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट करना चाहते हो
तब आपको ये ऑप्शन यूज़ करने मिलेगा। यहाँ पर आपको स्केल का ऑप्शन देखने मिल रहा है। यदि आप स्केल को कम या ज़्यादा करते हो, यहाँ पर जो प्रिंट के पेजेस हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ यदि अभी प्रिंट में देखूँ तो यहाँ पर मुझे 3 पेजेस जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 पेजेस का जो मैंने डेटा है वो यहाँ पर फिल किया हुआ है। यदि मैं चाहता हूँ मैं 3 पेजेस का डेटा एक ही पेज में प्रिंट कर लूँ, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ करूँगा। स्केल को यदि मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो जो पेजेस हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी 100% जो है स्केलिंग है और हमें 3 पेज में डेटा को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसे 80% कर देता हूँ। यदि मैं इसे 80 कर देता हूँ, अब यदि मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो आप देख पा रहे हो इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो चुकी है और ये अभी 2 पेज में डेटा को फिल कर रहा है। यानी कि अब हमें प्रिंट करने के लिए यहाँ पर 2 पेज की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं इसकी साइज़ को और कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इसकी साइज़ 60 कर दी, तो अब जो क्या होगा, अब यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो अब देख सकते हो यहाँ पर अब इसकी साइज़ और छोटी हो गई है। इसी तरीके से आप इसकी साइज़ को स्केल से डिफाइन कर सकते हो। यदि आप स्केल कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर पेजेस हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल यदि आप इसे नॉर्मल रखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं इसे 100 पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको गाइडलाइन का ऑप्शन देखने मिलता है। जो गाइडलाइंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिल रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था यदि आप इसे प्रिंट करते हो तो आपको ये गाइडलाइंस शो नहीं होंगी जब तक कि आप उसे टेबल के फॉर्म में क्रिएट नहीं कर देते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ पर अभी शो हो रही हैं दोनों टेबल के बीच में। यदि आप प्रिंट प्रीव्यू में देखते हो तो यहाँ पर दोनों टेबल्स के बीच में कोई भी गाइडलाइंस शो नहीं होंगी। यदि आप शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ प्रिंट पर चेक कर दोगे और जैसे ही आप कंट्रोल पी करते हो तो अब यहाँ पर गाइडलाइंस शो हो रही हैं। सेम इसी तरीके से यदि आप हेडिंग्स दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हेडिंग्स हैं व्यू के फॉर्म में ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर पाओगे, और प्रिंट में यदि ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप वो भी कर पाओगे। अब मैंने प्रिंट में ऑन कर दिया है तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो है नंबर्स हैं वो भी आ रहे हैं और ABCD जो ऊपर लिखे हुए रहते हैं वो भी यहाँ पर कॉलम्स देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रिंट यदि कर रहे हो और आप एक्सेल शीट को प्रिंट कर रहे हो तो कुछ ये सेटिंग्स थी जिनका यदि आप इस्तेमाल करते हो तो आप प्रिंट को और अच्छे से कर पाओगे और आप अपने डेटा को जैसा भी दिखाना चाहते हो आप प्रिंट के माध्यम से दिखा पाओगे। इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अभी बेस सेटअप के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अलग से जो आप एलिमेंट इस्तेमाल करते हो उनके लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि आप शेप इंसर्ट करते हो, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हो, तब आपको ये ऑप्शंस वहाँ पर देखने मिलते हैं। तो दोस्तों पेज लेआउट पर मैं MS Word में भी एक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर सेम हैं, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो जिसके थ्रू आप पेज लेआउट को और भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि हम MS Word में भी एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और यहाँ पर भी हम इसे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देख रहे हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम हो जाती हैं। और यदि आप दोनों वीडियोज़ को एक बार देख लोगे तो आप प्रिंट जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।